भाजपा नेताओं ने चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लगातार बैठकों का दौर चालू है। लखनऊ में भाजपा के कई दिग्गज 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चिंतन कर रहे हैं, तो वहीं आगरा में सपा द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ने भाजपा को बैठे बिठाए कटाक्ष करने का मौका दे दिया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नारे के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नारा लगाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन सपा अध्यक्ष ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही माफी मांगी है। इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं देश में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने क्या कार्रवाई की है? कल का यद्यपि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ तो पुलिस और कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेगी, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों समाजवादी पार्टी की ओर से क्षमा नहीं मांगा, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। आपको बता दें कि आगरा में गुरुवार 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते सुनाई दे रहे हैं। मामला गरमाने के बाद एसपी सिटी रोहन बोत्रे ने जांच के आदेश दिए। केस दर्ज हुआ, फिर आगरा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने वीडियो की असलियत की जाँच की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।